स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं इन दिनों क्या पढ़ा रही हूँ, जीव विज्ञान बायोलॉजी, शरीर का विज्ञान के बारे में मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैंने श्वसन बताया था आपको, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परिसंचरण तंत्र या हृदय तथा उसकी वाहिनियाँ। परिसंचरण से क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगी कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण का मतलब ये है कि बहना, पदार्थों का बहना। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीव होने के कारण इसमें जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकीय जीव हमारा क्या है, अमीबा, पैरामीशियम आदि। बहुकोशिकीय जीव में जितनी कोशिकाएं हैं उसमें सभी में हमें क्या क्या पहुँचाना है, भोज पदार्थ, और हमें हमारे जो वेस्ट निकलते हैं, शारीरिक वेस्ट, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, उनको शरीर में बहना है, प्लस ऑक्सीजन जिससे हम श्वसन करते हैं। श्वसन तंत्र आपने पढ़ा था, श्वसन भी करते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो कैसे चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हमारी नाक में प्रवेश कर गई ऑक्सीजन और काम पूरा हो गया। उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर की हर कोशिका में पहुँचना है। और श्वसन के बाद आपको मैंने बताया था, याद होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक विषैली गैस है वो निकलती है, और वो हमारे नासा छिद्र से, हमारे श्वसन तंत्रों से बाहर निकाल दी जाती है। तो चार तरीके के पदार्थ हमारे शरीर में परिसंचरित होते हैं। एक स्थान से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बहना ही परिसंचरण कहलाता है। और इसके लिए परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ये तंत्र तो क्योंकि इसमें हृदय सम्मिलित है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने जा रहा है आपके लिए। तो क्या है कि हमारे कोशिकाओं में जो रक्त है वो हर कोशिका में पहुंचता है, और वही ऑक्सीजन को लेके जाता है। और हमारे भोज पदार्थ, आपने पाचन तंत्र पढ़ा था, उसमें जो भोजन का निर्माण आखिरी रूप में किस तरीके से होता है, ब्लड के रूप में, तो वो ब्लड भी हमारे शरीर की हर कोशिका को मिलता है। और हमारे जो वेस्ट पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, वो भी इकट्ठे होकर हमारे शरीर से बाहर जाने हैं। तो इसके लिए परिसंचरण तंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे क्या है। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो आप देख रहे हैं, जो हृदय का एक सूक्ष्म रूप है। और आप कहेंगे लंग्स से क्या मतलब, इसमें लंग्स की भी आवश्यकता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की भी आवश्यकता है। बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद में हृदय की रचना आपको बताऊंगी कि इन सब चीजों का क्या काम है। देखिए, ये जो हमारा हृदय बनाया हुआ है रफ रूप में, इसमें दो ऑरिकल है, लेफ्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यहाँ से ही जो रक्त है हमारा, लेफ्ट ऑरिकल आप देख रहे हैं, और ऊपर मैंने बना दिए लंग्स। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध रक्त है, वो हमारा कहाँ आता है, वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। और यहाँ से जो ऑक्सीजनेट लेफ्ट ऑरिकल से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आप एरो का निशान देखिए इधर, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो अशुद्ध रक्त है और वो आता है पहला राइट ऑरिकल में, और फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, है ना। राइट वेंट्रिकल से ये जो है फिर से शिराओं, धमनियों के द्वारा ये फिर से ले जाया जाता है, और ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से में जाके शुद्ध होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है ब्लड का, और जो एल्वियोलाई है उनका काम है हवा, सांस लेना, और ऑक्सीजन ब्लड में मिलाना। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये भी हमारे बाहर से, वायु से, नासा छिद्रों से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्हीं लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सहायता करता है मेन, वो है हमारा हृदय की शिराएं, महाशिराएं, धमनियां। तो ये आपको मैंने दिखा दिया इस तरीके से, छोटा सा डायग्राम बनाया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आप देख रहे हो कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में हमारा रक्त जो है वो जा रहा है। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में मैंने आपको समझाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से आप देखते रहें।